दोस्तों हम पहुंच गए हजारीबाग के जुबी डुबी वाटर पार्क, गेट रेडी फॉर द जुबी डुबी। तो ये हजारीबाग से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। हजारीबाग से रांची के रूट में आप डेमो टावर क्रॉस करेंगे, मुरांगी एक जगह आएगा, मुरांगी के ठीक चौक से लगभग 50 मीटर के आगे आपको लेफ्ट साइड में जुबी डुबी वाटर पार्क का ये बोर्ड दिखेगा और ये गेट दिखेगा। और इसी के ठीक बगल में हमारे पीछे देखिएगा रिलायंस का यहाँ पे पेट्रोल पंप है। ये लोकेशन के लिए आप जरूर ध्यान रखें और इस बार आप तैयार हो जाइए हजारीबाग में गर्मियों के सीजन में एंजॉय करने के लिए। तो चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं जुबी डुबी वाटर पार्क का कितना कम्प्लीट हुआ है और ये कब तक स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसब्री से सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हजारीबाग में भी ओपन हो रहा है वाटर पार्क। क्योंकि हम लोग हजारीबाग से दूर जाते थे रांची की ओर, जहाँ पे तरंग वाटर पार्क, कई सारे वाटर पार्क ओपन हो चुके हैं और सबसे बड़ा जो वाटर पार्क बोले तो बिहार में छमाछम वाटर पार्क है। चलिए अब हम हजारीबाग में भी एंजॉय कर सकते हैं इस गर्मी के सीजन में। आपको दिखाते हैं जुबी डुबी वाटर पार्क का फुल नज़ारा और इसके बारे में पूरा फुल जानकारी देते हैं आपको। आप मुरांगी वाटर पार्क के पास पहुँचेंगे तो सामने आपको पोस्टर दिखेगा और ठीक इसी के बगल में आपको बड़ा सा गेट दिखेगा जुबी डुबी वाटर पार्क का। गेट से अंदर आने के बाद देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए और भी कई सारे यहाँ पे शोपीस लगाए जा सकते हैं। तो फिलहाल अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये वाटर पार्क का एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस साइड में देखिए ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस अभी खाली छोड़ा गया है, ये आगे और भी कुछ बनने का रह गया है। तो ये धीरे धीरे पूरा कम्प्लीट होगा हमारा वाटर पार्क जुबी डुबी वाटर पार्क, तब देखेंगे। ये मार्च के एंड तक में स्टार्ट होना है, इस वजह से काफ़ी तेज़ी से काम भी यहाँ पे चल रहा है। बाकी टिकट प्राइस क्या रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेंगे, वो सब आगे जब स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये वाटर पार्क तब आपको पता चल जाएगा। ये चेंजिंग रूम बन रहा है जिसमें आप अपने कपड़े गैजेट्स वगैरह रख सकते हैं और इसी के बगल में क्या बन रहा है वो पता नहीं, और ये कैंटीन बन रहा है। ये चेंजिंग रूम पूरा आपको दिखाते हैं। तो वाटर पार्क में एंटर हो चुके हैं और सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे लॉकर रूम है। सो देखिए आपको हमारे पीछे ये लॉकर जो कि ड्रावर जिसमें हम लोग कपड़े बैग वगैरह सब कुछ रखते हैं, गैजेट्स वगैरह रखते हैं, और यहाँ पे देखिए सेपरेट सेपरेट बॉयज एंड गर्ल का यहाँ पे बाथरूम बनाया जा रहा है जिसमें आप मस्त इंजॉय करेंगे वाटर पार्क में एकदम, उसके बाद इधर आकर के फ्रेश हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको लेकर के चलते हैं उस साइड में जहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह है, डांसिंग एरिया है, वो सब अभी आपको दिखाते हैं। अपने सभी कपड़े गैजेट्स वगैरह रखने के बाद आप फुल इंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं स्लाइडिंग एरिया में। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला स्लाइडिंग बन रहा है उसको दिखाते हैं, जो अभी बन करके कंप्लीट हुआ नहीं, ये लगभग 10 से 15 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से स्लाइड करके आप पहुंचेंगे इस वाले प्लेस पे। जंगल स्लाइडिंग एरिया है उसमें हम पहुंच चुके हैं और आप देखिए यहाँ बच्चों के लिए खास स्पेशली और बाकी बड़ों के लिए, बड़े सभी एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली ये बच्चों के लिए है। छोटा इसमें सब कुछ स्लाइडर वगैरह दिया हुआ है ताकि बच्चे खूब एंजॉय कर सके इस प्लेस पे आकर के। खास करके गर्मियों के सीजन में एकदम आप जो हजारीबाग से दूर जाते थे एंजॉय करने के लिए वाटर पार्क का, वो आप यहाँ पे ही हजारीबाग में ही एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम तो दिखाएं आपको जंगल वाला जो कि छोटा बच्चों के लिए है, अब बड़ों की तरफ लेकर के चलते हैं जहाँ पे एकदम खूब डांस वगैरह कर सकते हैं आप और बाकी स्लाइडिंग का भी मजा ले सकते हैं, जिसमें जान जो है वो हथेली पे आ जाएगा, ऐसा ऐसा यहाँ पे बन रहा है उतना हाइट में बन रहा है। तो फिलहाल ये सामने आपको देखिए हमारे पीछे दिख रहा होगा ये ऊंचा वाला, और एक इस साइड में है जो कि देखिए उधर बन रहा है, ये सबसे ऊंचा वाला ये बनेगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो फिलहाल चलिए अब कम उम्र है उसमें लेकर के आपको चलते हैं जहाँ पे बड़े स्लाइड स्मूथ तरीके से हम लोग स्लाइड करें और इन्जॉय करेंगे। अब बड़ों के लिए सबसे बेस्ट जो स्लाइडिंग एरिया है उसमें पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और ये कुछ टाइम के अंदर अंदर ये भी पूरा फुल्ली कंप्लीट हो जाने वाला है।
आ गया अब वे पूल में जिसमें हम डांस करेंगे गोवा वाले बीच पे। यही है एरिया जिसमें आप पूरा फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें एकदम एक दूसरे के ऊपर गिर गिर कर डांस करेंगे। उसके बाद ये सर्कल से आप क्रॉस करेंगे और पहुंच जाएंगे ऑक्टोपस जोन में, और यहाँ पे भी आपको फुहारे वाले पानी में डांस करिएगा। और ये भी लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वाटर पार्क के अंदर में ही ऑक्टोपस के जैसा यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें से देखिए बहुत ही खास है, जब उस साइड से वेब एरिया से जब डांस करते हुए इधर पहुँचेंगे तो यहाँ चारों साइड से पानी का फुहारा मारा जाएगा। यहाँ पे पानी के साथ में आप जो पानी वाला डांस नहीं कहते हैं उस तरीके से आप डांस करेंगे तो उसका अलग मज़ा आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए ये बन करके तैयार हो गया है, जो वेब एरिया है जिसमें हम पानी वाला डांस करेंगे वो भी बन करके तैयार हो चुका है, और देखिए स्लाइडिंग एरिया वो भी बन करके तैयार हो चुका है, और वेलकम टू द जंगल देखिए बच्चों के लिए स्पेशली वो बन करके वो भी तैयार हो गया है। तो अब बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काम बाकी है, जो कि लगभग मार्च के एंड तक ये वाटर पार्क ओपन हो जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए इस गर्मी में आप इंजॉय करने के लिए हजारीबाग के वाटर पार्क में फुल मस्ती करने के लिए। वाटर पार्क के अंदर में ही ये है कैंटीन एरिया, जो कि ये भी बन रहा है। तो जुबी डुबी वाटर पार्क हजारीबाग में एंटर करने के बाद, आप इन सभी एक्टिविटी करने के बाद अगर आपको भूख लग जाती है, यहाँ पर कैंटीन की भी सुविधा है, आप कैंटीन में आ करके कुछ खा पी सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। बट ये एरिया जितना भी खाली खाली आपको दिख रहा है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखिएगा कि हजारीबाग और भी ज़्यादा हजारीबाग को स्पेशल बना देगी।